नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की तीन महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दो गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सल क्षेत्र में जवानों की पैनी नजर, संदिग्ध कबूतर को लिया अपने कब्जे में। मेसर्स गोपाल स्पंज आयरन प्लांट के संबंध में आयोजित जन सुनवाई में भड़का जनाक्रोश। विधायक चंदन कश्यप और शासकीय वाहनों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। सिंधी समाज के युवाओं ने गौवंश को चारा खिलाकर मनाया भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव। कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे देवी मंदिरों के कपाट। दोनों हाथ उठाकर लोगों ने खाई कसम, नहीं करेंगे कर्फ्यू का उल्लंघन। और कोविड 19 से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु अधिकारियों को दिया गया दायित्व। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के नक्सल क्षेत्र में जवानों ने एक संदिग्ध कबूतर को अपने कब्जे में लिया है। कबूतर के दोनों पैर में विदेशी टैग लगा हुआ है। कोंडागांव जिले के जामपदर इलाके में कबूतर को जवानों ने पकड़ा है और इस कबूतर की जांच शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि फोर्स के दबाव के चलते नक्सली इन कबूतरों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कबूतर एकमात्र ऐसा पंछी है जो तेजी से उड़कर आ जा सकता है, क्योंकि ऐसे कबूतर काफी समझदार और घरेलू होते हैं, इसलिए इन्हें प्रशिक्षण देना आसान होता है। ऐसे कबूतरों को जासूसी या संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी ये संदिग्ध कबूतर पुलिस कस्टडी में है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया है कि ऐसे कबूतरों को दक्षिण भारत में खेल के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि अभी जांच का विषय है और हर तरह से इस कबूतर की जांच की जा रही है। इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने हमें बताया। आज कोंडागांव जिला में एक संदिग्ध परिस्थिति में एक कबूतर पाया गया। हमारा पुलिस के जो जवान द्वारा इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत उसका अपने कस्टडी में लेकर जो वरिष्ठ अधिकारी को सूचित की गए थे, तत्पश्चात इसको वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हम उसका एग्जामिनेशन करवाएगा। आमतौर पर इस टाइप का जो कबूतर है दक्षिण भारत इलाका में स्पोर्ट्स के लिए, रेस के लिए उपयोग की जाती है। इस कबूतर के पैर में उसके ओनर का नाम लिखा हुआ, उसके कुछ कोड भी लिखा हुआ। इन सब कार्य प्रणाली के बारे में हम दक्षिण भारत के जो संबंधित विभाग से भी पता भी करवाएगा। और वर्तमान में इस कबूतर को थोड़ा वेटनरी डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में रखा हुआ। हम आने वाले समय में इसका पक्षी को भी किसी प्रकार का परेशानी ना हो, साथ साथ इसका वास्तविकता क्या है इसका भी पता करने के लिए हमारी टीम लगा हुआ उसमें। बस्तर ब्लॉक के चपका ग्राम में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इस दौरान ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने नारायणपुर विधायक और हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप के वाहन का घेराव कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी और प्रशासनिक वाहनों पर पथराव किया। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम कर दिया है। गांव चपका में प्रस्तावित मेसर्स गोपाल स्पंज आयरन प्लांट के संबंध में जन सुनवाई सोमवार को बुलाई गई थी। इस जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस स्पंज आयरन प्लांट के लिए ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। कई ग्रामीण इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को जन सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से लिखित में जवाब मांगे जाने पर अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर ग्रामीण भड़क गए और जन सुनवाई का बहिष्कार करते हुए विधायक चंदन कश्यप के वाहन के साथ साथ प्रशासनिक वाहनों पर भी पथराव कर दिया। इस पथराव में शहर के अधिवक्ता नितिन जैन के सिर पर चोट लगी है। हालांकि इस घटना से अब तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वाहनों पर पथराव किया है। जन सुनवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों को रोकने में पुलिस नाकामयाब साबित हुई। वहीं विधायक को भी मौके से रवाना होना पड़ा। विधायक के जाने के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम कर दिया है। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना कर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
कोरोना को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में जन सुनवाई रखना समझ से परे है। इस जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे और बाकायदा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जन सुनवाई की गई। प्रशासनिक अमले के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चेटीचंड झूलेलाल की जयंती सिंधी समाज द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते सिंधी समाज के द्वारा कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया गया। सिंधी समाज के युवाओं ने नगर सीमा से लगे कुरंदी में स्थित हैप्पी कामधेनु गौशाला पहुंचकर गौवंश को चारा, रोटी और गुड़ खिलाकर सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया। राष्ट्रीय सिंधी युवा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष बैंक नथानी ने बताया कि सिंधी समाज के युवाओं ने गौवंश को चारा खिलाकर भगवान झूलेलाल जी की जयंती मनाई। इस दौरान समाज के युवा सदस्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया। समाज के सदस्यों द्वारा शाम को अपने अपने घर के सामने दीप लगाकर और रंगोली सजाकर भगवान झूलेलाल की आरती की गई। समाज के युवा सदस्यों ने कहा कि यदि जगदलपुर में लॉकडाउन लगता है तो समाज के सदस्य गरीब लोगों और पशु पक्षी के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान अनेक युवा उपस्थित थे। चैत्र नवरात्रि पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। केवल पुजारी और सेवादारों द्वारा ही विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान आयोजित होगी, जिसके चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाले दंतेश्वरी मंदिर में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू संचालित हो रही है। इसके चलते श्रद्धालु भी मंदिर नहीं पहुंच पाए। 8 बजे के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, किंतु इन्हें मंदिर के दरवाजे पर ही मां का दर्शन कर वापस लौटना पड़ा। मंदिर में प्रसाद भी नहीं कराया जा रहा है। बस्तर के माटी पुजारी और आज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव ने सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना और मां की आरती की।
इसके पश्चात अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। मां दंतेश्वरी मंदिर से लगे अखंड ज्योति स्थल पर एसडीएम जी मरकाम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अखंड ज्योति प्रज्वलन कार्यक्रम दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी उदय चंद्र पाणिग्रही के द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के साथ वेद मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। श्रद्धालु दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए बाहर से दर्शन करने का व्यवस्था किया गया। जिस समय जो दसवा समय भी बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था किया गया था, लोगों को आशा से 9 दिन जो उपवास करते हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए जो जलाए जाते हैं, 9 दिन उपवास कर भगवान के दर्शन करने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बाहर से लोगों को दर्शन करने का व्यवस्था किया गया प्रशासन के द्वारा। बस्तर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है। धारा 144 भी लागू है। इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते नजर आ जाते हैं। पुलिस भी इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए सुबह से ही निकल जाते हैं। कोतवाली चौक स्थित पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा सुबह से ही गश्त पर निकले थे। देखा कि लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते दिख रहे हैं, तभी पुलिस ने सभी को रोकना शुरू किया। देखते ही देखते 60 से 70 की संख्या में लोग घूमते पाए गए, जिन्हें रोका गया और समझाइश दी गई। शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। इसके बाद भी लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं। सभी को रोककर समझाइश दी गई कि वह बेवजह घर से ना निकले, कर्फ्यू का पालन करें, मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सभी लोगों ने दोनों हाथ उठाकर कसम खाई है कि बेवजह घर से हम नहीं निकलेंगे, कर्फ्यू का पूरा पालन करेंगे, मास्क पहन के निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने सभी को समझाइश दी कि धारा 144 और कर्फ्यू का पालन करें, तभी हम ऐसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। आगे से यदि लोग नहीं समझे तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने हमें बताया। जगदलपुर जिले में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान लोगों को हिदायत दी जा रही है, फिर भी लोग जबरदस्ती निकल रहे हैं तो अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर रोक के यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उनको चेतावनी दी जा रही है। और ये शहर में और कोई कई पॉइंट पे हैं, इनको लगातार लेकर समझाया जा रहा है और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर करके भी हर क्षेत्र में अलाउंस कर रही, मुनादी कर रही है कि 8 बजे तक नहीं निकलना है। फिर भी कई लोगों हैं जो अभी तक इसको जानकारी नहीं लगी है तो निकल जा रहे हैं, तो उनको आवश्यक समझाइश भी दी जा रही है, जरूरत पड़ने पर सख्ती भी बरती जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव,
व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में, आइए लौटते हैं खबरों की ओर। राज्य स्तर पर COVID-19 के अधिक फैलाव को देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जिले में COVID-19 से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु अधिकारियों की ड्यूटी प्रभारी अधिकारी के रूप में लगाई गई है, जिसमें डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए डिप्टी कलेक्टर कावेरी मरकाम और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आड़ावाल डॉक्टर DS नाग, कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त, COVID-19 सैंपलिंग के लिए जगदलपुर खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज और मेडिसिन तैयार करना और वितरण करने हेतु CSC कालीपुर अनिल उपाध्यक्ष और CSC विवेकानंद प्रकाश दास को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 2 पालियों में दल बनाकर ड्यूटी लगाई गई है। पहली टीम प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी टीम दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगी। इसमें ग्रामीण चिकित्सा सहायक और सहायक शिक्षकों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त रिजर्व दल भी बनाया गया है। COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला जुटा हुआ है, लेकिन कुछ तकनीकी और आपसी सामंजस्य के अभाव में COVID-19 वैक्सीन टीकाकरण में कुछ दिक्कतें आ रही है। शहर में कुल 14 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण का कार्य निर्धारित समय पर प्रारंभ न होकर विलम्ब हो रहा है। पहले शहर में 8 टीकाकरण केंद्र संचालित हो रहे थे, जिसे बढ़ाकर 14 कर दिया गया है, जिसके चलते कुछ टीकाकरण केंद्रों में कर्मचारियों का अभाव होने लगा है और जिसके चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी को पूर्ति करने की व्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के बीच आपसी सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि कार्य विभाजित किए जाने पर ये समस्या का निराकरण हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को टीका लगाने वाले स्टाफ की पूरी जानकारी है। यदि किसी केंद्र पर टीका लगाने वाले की कमी होती है तो आसानी से वे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह किसी टीकाकरण केंद्र में शिक्षकों की कमी है तो उसकी पूर्ति जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र में ड्यूटी लगाने का दायित्व पूरी तरह से नोडल अधिकारी के जिम्मे है, जिसके चलते स्वास्थ्य अधिकारी भी अपने स्टाफ की नियुक्ति बिना नोडल अधिकारी के निर्देश पर नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का जिम्मा अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सौंपा जाए और जिला प्रशासन अन्य कर्मचारियों को तैनात करने का दायित्व निभाए तो ये कार्य सही ढंग से संचालित हो सकता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति विगत कुछ दिनों से नजर आ रही है।
किसी टीकाकरण केंद्र पर यदि टीका लगाने का कार्य विलंब से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि टीकाकरण केंद्र के कुछ कर्मचारी यदि विलंब से पहुंचते हैं तो उनके स्थान को पूर्ति करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आपात स्थिति के लिए आरक्षित दल गठित किया गया था, लेकिन टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाए जाने पर इनकी भी नियमित ड्यूटी लगने लगी है, जिसके चलते कर्मचारियों का अभाव नजर आने लगा है। इस पर नोडल अधिकारी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सल क्षेत्र में जवानों की पैनी नजर संदिग्ध कबूतर को लिया अपने कब्जे में। मेसर्स गोपाल स्पंज आयरन प्लांट के संबंध में आयोजित जन सुनवाई में भड़का जनाक्रोश। विधायक चंदन कश्यप और शासकीय वाहनों पर ग्रामीणों ने किया पथराव। सिंधी समाज के युवाओं ने गौवंश को चारा खिलाकर मनाया भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव। कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे देवी मंदिरों के कपाट। दोनों हाथ उठाकर लोगों ने खाई कसम, नहीं करेंगे कर्फ्यू का उल्लंघन। और कोविड 19 से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु अधिकारियों को दिया गया दायित्व। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जल्द ही। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।